अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे आप लोगों की दुआओं के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का व्लॉग जो है ना मॉर्निंग से स्टार्ट किया और आज है बहुत 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 ही प्यारा सा मौसम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अल्लाह ताला का शुक्रिया कि इतना अच्छा मौसम हो गया। गर्मी का जोर बहुत ज़्यादा था कल, तो हम लोग ढालो गए थे तो यहाँ पर बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे पढ़ने के बाद। उनका कि आप ही मौसम बहुत अच्छा है तो हम लोगों ने खेलना, तो काफ़ी देर बच्चे यहाँ पर खेलते रहे जी। तो यहाँ पर हमारे घर में हो रही थी शाम के खाने की तैयारियाँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने अभी नाश्ता भी नहीं किया। लेकिन आप ही ने क्या किया कि मेरे आने से पहले फटाफट से कद्दू गोश्त बना डाले। तो यहाँ पे कद्दू के आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े पीसेस काट लिए। तो हमेशा जो सब्जी है ना बड़े बड़े टुकड़ों में काटे, वो एक तो ज़्यादा जल्दी गलती है और दूसरा ये कि टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं मैरिनेशन। हम लोग क्यों कर रहे हैं अभी, क्योंकि आज हमारी घर ना किसी खास से बंदे ने, वो मैं आप लोग को लास्ट में बताती हूँ। तो यहाँ पर मैरिनेशन के लिए हम लोगों ने लिया था तंदूरी मसाला और साथ में थोड़ा बहुत जो मसाले थे वो डाल के, उसके बाद आगे हम नाश्ते की तरफ, क्योंकि 11 बजने वाले थे। उसके बाद मैंने क्या किया, मीठी लस्सी बना ली। तो रूटीन तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो लेकिन यहाँ पे हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नया आने वाला व्लॉग जो है ना आप लोग तक इजीली पहुँच सके। तो यहाँ पे मैंने काट लिया है सब्ज़ मिर्चें दाल में, चूँकि ये सब्ज़ मिर्चें जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जिस चीज़ को पसंद है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग दाल में फ्रेश सब्ज़ मिर्चें खाते हैं। अगर नहीं खाते तो यार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे हमारा हो गया था गोश्त रेडी। तो यहाँ से हम लोगों ने निकाली चंद बोटियाँ, क्योंकि गोश्त जो है ना देखे कौन दाल खाता है यार। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा गोश्त निकाला, ताकि दो दो बोटियाँ हम लोग खा लें। फिर इसके बाद इसमें डले कद्दू। कद्दू देखिए बहुत ही प्यारे से, और गाँव के कद्दू हैं बहुत मज़े के बनेंगे, मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाती हूँ। तो इनको हमने दिया वेट थोड़ा सा, तब तक हम लोग करने लगे थे नाश्ता। तो नाश्ते से पहले हमेशा मैं 3 जवे लहसुन खाती हूँ, क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल जो है ना हमारा कंट्रोल रहता है। तो जब तक हमने नाश्ता किया, तो ये हमारे कद्दू देखिए कितने मलाई की तरह नरम हो चुके थे। तो अब हो चुका था 1 बजे का टाइम। तो यहाँ पे आ गई थी मेरी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड, तो उसके लिए हम लोग बना रहे थे शेक, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। सुबह सुबह मौसम अच्छा था, लेकिन अब सेकेंड टाइम होने वाला था तो यहाँ पर मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा था। तो मैंने सोचा कि बोतल पिलाने से पहले हम लोग फटाफट से फ्रेश सा एक मिल्क शेक बनाते। तो मिल्क शेक मैंने किस तरीके से बनाया, दो बनाना डाले, थोड़े से बादाम डाले, दो चम्मच शहद डाला और थोड़ी बर्फ़ डाली, और ये हम लोगों ने यम्मी सा जो था ना मिल्क शेक बना लिया। उसके बाद बनाए चिकन पकौड़े। कभी आप लोगों के घर में आप लोग के दोस्त अहबाब आए तो आप लोग कैसे इहतमाम करते हैं मुझे भी बताइएगा। लेकिन हम लोग जब भी मिलते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा खाते हैं, ताकि ये मेमोरीज़ होती हैं। आप लोग भी ज़रूर अपने दोस्तों को टाइम दीजिए, उनसे मिलिए, उनके साथ अच्छा अच्छा खाइए, ताकि ये आपको लाइफ भर में याद रहे। तो ये थी आज मेरी नॉर्मल सी रूटीन, क्योंकि ये मैंने सिर्फ चंद शॉर्ट्स लिए थे आज के दिन के, क्योंकि मैं आज थोड़ा बिजी थी। तो चलिए अब करते हैं रिफ्रेशमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए रूटीन के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय।